भारत वर्ष का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इस ग्रंथ में ऐसे कई योद्धाओं का वर्णन है जो अपने सिर्फ एक बाण से पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, पर उन योद्धाओं को इतिहास ने अपने पन्नों में अंकित करना जरूरी नहीं समझा। आज मैं जिस योद्धा की बात करने जा रहा हूं, वह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी था। और सिर्फ यही नहीं, उसने महाभारत के युद्ध में दो बार अर्जुन को लगभग मार ही दिया था अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते। तो आइए जानते हैं इस भीषण विनाश लीला को जो अर्जुन की मृत्यु का कारण बन सकता था। द्रोण पर्व के 25वें अध्याय में वर्णित श्लोक के अनुसार अभिमन्यु, भीम और सात्यकी के साथ अन्य कई योद्धा एक साथ अकेले भागदत्त को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर फिर से यह बूढ़ा योद्धा हार नहीं मानता। वह पहले सात्यकी को मार भगाता है, फिर उसका सुप्रतीक नामक हाथी भीम को सूंड में उठाकर जमीन पर पटकता है। भीम भी वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। अभिमन्यु और बचे योद्धा एक साथ भागदत्त पर हमला बोल देते हैं। भागदत्त अकेले सबको रणक्षेत्र में मार भगाता है। द्रोण पर्व के 25वें अध्याय में इसका पूर्ण उल्लेख मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन महारथी अर्जुन और भागदत्त एक दूसरे के सामने थे। भयानक रण संग्राम होता है। इस युद्ध में एक वक्त तो ऐसा आया कि भागदत्त ने अर्जुन को अपने हाथी से लगभग कुचल ही दिया था, पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ मोड़कर वहां से निकाल ना देते तो अर्जुन की मृत्यु सुनिश्चित थी। इस वर्णन का उल्लेख द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में मिलता है। फिर अर्जुन ने भागदत्त को कई अस्त्रों से काटा और भागदत्त को घायल भी कर दिया। भागदत्त ने अपने बालों की एक पिन निकाली और उससे वैष्णव अस्त्र को संधान किया। आवाहित वैष्णव अस्त्र का कोई तोड़ अर्जुन के पास ना था और अर्जुन की मृत्यु अब निश्चित थी। जैसे वैष्णव अस्त्र अर्जुन से टकराकर उसके प्राण हरण कर लेता, भगवान कृष्ण बीच में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो उन्हें देखते ही अस्त्र वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया और इस तरह भगवान कृष्ण ने दूसरी बार अर्जुन को भागदत्त के हाथों से मरने से बचाया। भागदत्त एक बूढ़ा योद्धा था। उसकी उम्र इतनी ज्यादा थी कि अपनी आंखें खुली रखने के लिए उसे मस्तक पर एक पट्टी बांधनी पड़ती थी और अंत में अर्जुन ने अपने एक तीर से उस पट्टी को तोड़ दी और आंखों के ऊपर का मांस आंखों पर आने से वह कुछ नहीं देख पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भागदत्त का वध कर दिया। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।